नमस्कार बच्चों, केवी टीचर्स गिल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास सिक्स, सेवन्थ और एट्थ के लगभग थ्री टू फोर डेज रोज़ एक एक क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। तो आज से आप लोगों का ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो रहा है। और आज हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। संस्कृत का पेपर, जैसे आप जानते हैं, केवी का संस्कृत का पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और कारण ये है कि संस्कृत के पेपर में आंसर्स आपको पेपर में देकर ही स्कूल में सबमिट कराने होते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर आपको फिर भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पुराने अगर जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो आपको दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत का पेपर में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता पहले। तो चलिए, ये हाफ ईयरली का पेपर है, आप सबको पता होगा। आपका जो हाफ ईयरली का पेपर होता है 80 मार्क का पेपर आता है वो, और 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे आप अप टू फिफ्थ करते हुए आ रहे थे ना, आप क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखने होते थे, संस्कृत का पेपर बिल्कुल वैसा ही होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक्चुअली संस्कृत मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, संस्कृत जो चीज़ें मुझसे आती होगी डेफिनेटली मैं बता दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बीच में मैं छोड़ देती हूँ तो आप उनके आंसर्स जिनको पता होगा कमेंट सेक्शन में आप करेंगे ढूंढ के, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है आपका, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा तद आधारित प्रश्नान उत्तरत है। ये इस तरीके से, जिसे तद आधारित को जोड़ के तदारित बना है, इस तरीके से आपको संस्कृत में पढ़ना होता है। तो नीचे ये कह रहा है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पठित्वा उसके पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रातःकाल अति मधुर काले भवति, सुबह का समय बहुत ही मधुर काल होता है। यदा स्वच्छ आकाशे सूर्य उदेति तदा अंधकार दूर गच्छति, जब आकाश में सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। सर्वत्र प्रकाश एव भवति, सब जगह प्रकाश भी होता है। पक्षिणा यत्र तत्र भ्रमन्ति, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, पक्षी यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं। ते मधुरम गीत है गायन्ति, वो मधुर गीत गाते हैं। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, सरोवर में तालाब में कमल के फूल खिल रहे हैं। तेषु कमलेशु भ्रमरा गुंजन्ति, उनके कमल के फूल पर भ्रमर भंवरे गुंजन कर रहे हैं। शीतल वायु बहती, शीतल वायु बह रही है। संपूर्णम वातावरणम सुगंधम भवति, पूरा वातावरण सुगंधित है। भ्रमणशीला जना उद्यानु भ्रमन्ति, भ्रमण के लिए जो लोग आए हैं वो उद्यान में बाग में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। धन्य एषा प्रभात वेला, ऐसी प्रभात बेला जो है वो धन्य है। अब आपके लिए प्रश्न है इस पर आधारित। पहला प्रश्न है, अंधकार है, एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। प्रकाश कुत्र भवति, प्रकाश कहाँ पर हो जाता है, सर्वत्र सब जगह या फिर सरोवर है, सिर्फ सरोवर में। तो हमने उसमें पढ़ा कि सब जगह प्रकाश हो जाता है, तो सर्वत्र इज करेक्ट। यहाँ पर आप नीचे अपना आंसर भी लिखेंगे करेक्ट टिक करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोवरे कानी विकसन्ति, सरोवर में क्या चीज़ विकसित होते हैं, कमलानी या फिर विकसन्ति। विकसित मतलब होता है खिलना, कमल खिलते हैं, तो कानी मतलब क्या चीज़ खिलता है, कमलानी। तो आंसर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। प्रकाश प्रातः काल है की दृश्य भवति, प्रातः काल जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको उसके लिए एक शब्द ज़रूर दिया होगा कि प्रातः काल, ये दिया हुआ, देखिए पहले ये अति मधुर है काल भवति। संस्कृत में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स एज इट इज़ पैराग्राफ में मिल जाते हैं, तो आप लेकर इसको यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ आंसर वहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमणशीला जना कुत्र भ्रमन्ति, भ्रमणशील जो जन है, लोग जो है वो कहाँ पर भ्रमण करते हैं। तो ये हमने देखा था, भ्रमणशीला जना कहाँ पर, उद्यान में, तो उद्यानेषु भ्रमन्ति, उद्यान में भ्रमण करते हैं। अगला प्रश्न है, कमलानी कमल, इसी इति पदे किम लिंगम, इस पद में क्या लिंग है, कमल एक स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो मेरे हिसाब, सॉरी, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। हिंदी जो है आपकी उसमें तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हिंदी में आप देखेंगे दो लिंग और दो वचन होते हैं, तो कमल जो है ना तो वो स्त्रीलिंग है ना ही वो पुल्लिंग है, वो नपुंसकलिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल इति पदस्य विपरीत पद किम, इस प्रातःकाल का विपरीत क्या होगा, तो इसका होगा सायंकाल है। कई बार बच्चे इसमें रात्रि लिख देते हैं, दिन का उल्टा रात होता है, लेकिन प्रातः सुबह का उल्टा शाम होता है। ओके, अगला प्रश्न है, रचनात्मक कार्यम, अब ये आपका क्रिएटिव राइटिंग है। मंजूषात, मंजूषा मतलब होता है बॉक्स, ये जो आपको दिया हुआ है। मंजूषा से समुचित है पद चित्पदानी चित्वा, समुचित पद शब्द चुनकर कथाम पूरियत, कथा को पूरा करो।
आपको शब्द दिया मनोरथ है, मनोरथ है इच्छा, पिपासित है उपायम, स्व स्वलप्यम पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्ट पातुम इतस्तत है और कुत्रापि। एकदा एक है काके, एक बार एक कौवा डैश आसी, तो यहाँ पर आएगा पिपासित है प्यासा, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम, वो जल की तलाश में खाली जगह अभ्रमत घूम रहा था, तो यहाँ पर आएगा आई थिंक इतस्तत है इधर उधर, इतस्तत है। देखिए इसमें आंसर्स हो सकता है आपको मुझसे अच्छा आते हो, अगर कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके परम, लेकिन डैश जलम ने प्राप्नोत, लेकिन उसे जल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर क्या आएगा लेकिन यस कुत्रापि, कुत्र अपि, कुत्र मतलब कहीं, अपि मतलब भी, कहीं भी, परम कुत्रापि लेकिन कहीं भी जलम प्राप्ति न प्राप्नोत है। अंते अंत में सह वह एक घट अपश्यत, उसने एक घड़े को देखा, घटे डैश जलम आसीत, घड़े में जल था, कितना जल था, जैसे आपने कहानी में पढ़ी होगी उस घड़े में एक्चुअली में बहुत कम जल था, तो यहाँ पर आएगा कम के लिए क्या शब्द होगा स्वलप। ओके आई डोंट नो, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसमें बहुत कम जल था, कम के लिए क्या शब्द होगा, मेरे ख्याल से तो पातुम होना चाहिए कि सिर्फ नीचे ही जल था उसमें। ओके अतः से, इसलिए वह जलम डैश असमर्थ, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ था, तो इसमें आएगा आपका फिर से उपायम, नो उपाय का तो उपाय होगा पातुम, आई थिंक यहाँ आएगा, इसलिए वो जल पाने में असमर्थ था। ओके सह एकम, उसने एक खाली जगह अचिंत्यत, उसने एक सोचा क्या उपायम, तो यहाँ पर आएगा उपायम, ये उपायम करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक। सह वह खाली जगह खंडाशी घटे अप, उसने कुछ इसके कण उसमें डाले पाषाणस्य, पाषाण मतलब पत्थर के, तो उसने कुछ पत्थर के जो कंकड़ थी खंड थे वो घड़े में अक्षिपत है उसमें डालता है वो, एवं क्रमेण इस क्रम में घटस्य जलम, घड़ का जो घड़े का जो जल है डैश आगच्छत, वो आ गया, तो कहाँ जाता है वो ऊपर आ जाता है, तो इसमें आएगा ऊपरी। नेक्स्ट इज काके जलम पीतवा डैश अभवत, कौवा जल पीकर क्या हो जाता है संतुष्ट है, वो संतुष्ट हो जाता है, एंड परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही क्या सिद्ध होता है डैश खाली जगह सिद्धंती, ना तो परिश्रम से ही मनोरथ सिद्ध होते हैं, ना कि सिर्फ सोचने से, ना कि व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ड स्वलप, ओके आई थिंक ये सही शब्द होगा स्वलपम, मनोरथ जो है आपकी इच्छाएं जो परिश्रम से सिद्ध होती है, ना कि सिर्फ सोचने से सपने देखने से, या आपके इस, और ये क्वेश्चन एक जनरली आता है, आपको कोई भी स्टोरी दी जाएगी और मंजूषा से आपको शब्द चुन के उन्हें फिल करना होता है। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कोष्ठ केशो, कोष्ठक से पदत, कोष्ठक में जो प्रदत्त शब्द है शब्देशु उपयुक्त विभक्ति योजित, उसमें उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जैसे रोटी, एक रोटी का शब्द है अहम रोटी काम खादंती, आपने देखा होगा कि इसमें एक तो वचन आपको देखना होता है, एक विभक्ति देखनी होती है, विभक्ति आपको पता होगी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपदान से संबंध काके की रारेरी एंड अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, ये इस तरीके से आपकी विभक्ति चलती है, सात विभक्ति होती है, तो इनको आपको ज़रूर याद कर लेना, किसी भी एक शब्द की आप विभक्ति याद कर लीजिए, देव अकारांत पुल्लिंग का हो जाएगा, माला आकारांत स्त्रीलिंग का हो जाएगा। खैर अगला प्रश्न है तुम खाली जगह पिबती, तुम जल को पीते हो, जल को यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा इसमें जल का, तो यह आप देख लीजिएगा क्या विभक्ति है, मैं हो सकता है मुझे एग्जैक्ट ना पता हो, गलत आंसर मैं देना नहीं चाह रही हूँ आपको। छात्र है, छात्र डैश पश्यति, छात्र देखते हैं दूरदर्शन, तो दूरदर्शन की कौन सी विभक्ति लगेगी षष्ठी विभक्ति दूरदर्शन को। वृक्षा वृक्ष में पवन पिबंती, ओके वृक्ष पवन को पीते हैं, ता वह डैश लिखंती कथा लिखती है इसकी सही विभक्ति। आवाम अहम आवाम हम दोनों जंतुशाला जाते हैं, तो जंतुशाला को जाते हैं गच्छा वह। ओके अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेद करो, तो पद इन पदों का वर्ण विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद हर चैप्टर के पीछे आपको दिया हुआ आपको आता होगा। जैसे व्यजनम है तो इसका होगा व्य प्लस जनम, इस तरीके से शब्द को तोड़ के उनको विच्छेद करना होता है। ओके तो नेक्स्ट आपका पुस्तकम लेखनी वातायनम कृषक है। ओके तो ये आपको जितने भी आंसर्स पता है, अगर कोई किसी का आंसर आता है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा,
बिकॉज मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत. मंजूषा से जो उचित अव्यय पद होगा उसको चुनकर खाली जगह की पूर्ति करनी है आपको. डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति. इस समय घूमना स्वास्थ्यकारी होता है, तो यहाँ पर आएगा प्रातः सुबह सुबह घूमना. अगला प्रश्न है डैश सत्यवद. देखिए अद्य मतलब आजकल, अपि मतलब भी, प्रातः आपको पता हो, कदा मतलब कभी कभी, सर्वदा मतलब हमेशा, अधुना मतलब आधुनिक समय में. ठीक, तो अगला है आपका, ये तो हो गया प्रातःकाल, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट है डैश सदावदय, सच बोलो, तो सर्वदा हमेशा सच बोलो. त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यति, तुम मातुल के गृह जा रहे हो, ये प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कदा, कब, तुम मातुल के घर कब जा रहे हो. दिनेश विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जा रहा है. अहम खाली जगह तेन से गच्छामि, मैं उसके साथ जाऊँगा, तो मैं भी, यहाँ पर आएगा अपि. अगला प्रश्न है डैश विज्ञानस्य युगस्ति, ये विज्ञान का युग है, तो यहाँ पर आएगा अधुना, आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है. अगला प्रश्न है पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत, इनके विलोम पद आपको लिखने हैं, विलोम लिखने, शत्रु का हो जाएगा सखा, दोस्त आपका, मित्र. अगला है आपका सुखदम, सुखदम का हो जाएगा दुखदम. जो विभक्ति आपको क्वेश्चन में दी हुई है, सुखम लिखा होता तो आप दुखम लिखते, सुखदम लिखा है तो दुखदम ही आप लिखेंगे. दुर्व्यवहार है दुर्व्यवहार करना, सुव्यवहार है अच्छा व्यवहार करना. नेक्स्ट है सायं, साय का हो जाएगा प्रातः, अप्रसन्न का हो जाएगा प्रसन्न है. ओके, ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे. अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजत, जिस तरीके से हो इनको आपको मैच करना है. समुद्र तट है, इधर है समुद्र तट, विद्या दीपक दूध दुग्धम क्रीडकम खेलना, ज्ञानाय ज्ञान के लिए भ्रमण, खेलनाय प्रकाशाय पोषणाय. ओके, तो समुद्र तट पर क्या होता है, भ्रमण, विद्या ज्ञान देती है, दीपक प्रकाश देता है, दूध पोषण देता है, और क्रीडकम को हम खेलनाय बोलते हैं. तो इस तरीके से आपकी मैचिंग हो जाएगी, और नीचे आप इनको आ ब को मिलाकर नए शब्द लिख देंगे. समुद्र तट के आगे भ्रमणाय लिख देंगे और विद्या के आगे ज्ञानाय. इस तरीके से आपका प्रश्न ऐसे पूरा होगा. अब नेक्स्ट है पठित अवबोधनम, यह आपका बुक का एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, पढ़ा होगा आपने. एकस्मिन वने एक वन में श्रृंगाल बकह चय निवसत है, इसमें श्रृंगाल और बकह बगुला रहता था. तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी. एकदा प्रातः श्रृंगाल बकम अवदत, एक सुबह श्रृंगाल ने बक को कहा, मित्र श्वे त्वम मया सह भोजत करु, आज तू मेरे साथ भोजन करना. श्रृंगाल से निमंत्रण बकह अप्रसन्न सॉरी प्रसन्न अभवत, श्रृंगाल के निमंत्रण से बक जो है वो खुश हो जाता है बगुला. अग्रिम दिने सह भोजनाय श्रृंगाल से निवासम अगच्छत, अगले दिन वो श्रृंगाल के निवास पर चला जाता है. कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय श्री दो श्री शिरोदनम अयच्छत. ओके, आई डोंट नो किसका मतलब क्या है. कुटिल स्वभाव का जो श्रृंगाल था, आगे उसने बक को क्या किया, शीर दी. ओके, इसको आप देख लीजिए. अब बकाय अवदत, बक ने कहा, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव, हम इस पात्र में साथ में खाएंगे, शायद कुछ ऐसा होगा इसमें. आई डोंट नो, आपकी बुक से है ये पैराग्राफ, आप बता दीजिएगा कि क्या मतलब है इसका, कहानी में क्या हुआ, इन दो लाइन का मतलब आप कमेंट सेक्शन में हिंदी में लिख के बता दीजिएगा. प्रश्नों पर आते हैं हम. एक पद इन उत्तर है, एक पद में उत्तर देना आपको. श्रृंगाले बकै चय कुत्र निवसत है, इसमें कहाँ पर निवास करते थे वो, तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि दोनों कहाँ पर निवास करते थे. ओके, वने, एक श्रृंगाल बकै चय वने निवसत है इसमें. श्रृंगाल बकै किम अयच्छत, श्रृंगाल ने बक से क्या अयच्छत बोला, तो ये इसका उत्तर यहाँ से होगा. श्रृंगाल स्थाल्याम बकह शिरोदनम अयच्छत. ओके, ये इसका आंसर होगा, मतलब ऑल दो मुझे इसका नहीं पता है. नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है. कस्मिन निमंत्रण बकह प्रसन्न अभवत, किसके निमंत्रण से वो प्रसन्न हो जाता है, तो वो हो जाता है श्रृंगाल के निमंत्रण से, ऊपर दिया हुआ है. अगला प्रश्न है श्रृंगाल कीदृश्य आसीत, कीदृश्य मतलब कैसा, स्वभाव बताना है आपको. तो श्रृंगाल कैसा था, यहाँ पर आपको दिया हुआ है श्रृंगाल कैसा, कुटिल स्वभाव का था श्रृंगाल, तो श्रृंगाल कुटिल स्वभाव है आसीत. अगला प्रश्न है निम्नलिखित पठित्वा प्रश्नान उत्तराणी लिखत, इनको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रशंति पादह पातालम चय नभ शिरस्तु वहंती वृक्षा. ओके,
वृक्षा किम स्पृशन्ति, वृक्ष किनको स्पर्श करते हैं, वृक्षा किम बहन्ति, वृक्षों से क्या बहती है, ओके के सिरस्तु नभ वसन्ति, किसके सिर पर नभ निवास करता है, ओके और देन आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने, या आपके किसी जो आपकी सुभाषितानी टाइप में कुछ होता है संस्कृत में, वहाँ से ये लिया गया है और इसमें शब्दों को बहुत मिलाकर दिया होता है जैसे आपकी पोएम्स में होता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका आंसर डेफिनेटली लिख देंगे, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानी नानी पूर्यत, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, देख लेना कि कौन सी विभक्ति लगनी है। धनी के खाली जगह धनम ददाती, धनिक किसको दत्त देता है, निर्धनम निर्धनाए, कौन सी विभक्ति सही रहेगी लगानी निर्धनों को। बाल है बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, सज्जन परोपकार का जीवन जीते हैं, राजा दरिद्रों को देता है डैश नमः, शिक्षकों को नमस्कार है, ठीक, तो कौन सी विभक्ति इनमें आएगी, इनमें से आप चुनकर लिख देंगे। अगला प्रश्न है मंजूषा, फिर से मंजूषा से शब्द चुनकर आपको लिखने हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बंगोपसागरह प्रायद्वीप पर्यटनाए क्रीड़ा संगम कन्याकुमारी तटे त्रियाणा सागरनाम डैश भवती, वहाँ पर कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का क्या होता है, संगम होता होगा, जरूर संगम है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा भारत देश है डैश इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते होंगे, जरूर जना समुद्र तट है डैश आगच्छति, जन लोग समुद्र तट पर क्यों आते हैं, पर्यटन के लिए, तो पर्यटनाए। बालेभ्य डैश रोचते, बाल लोग क्या करते हैं, क्रीड़ा खेलने को बड़ा ही इंजॉय करते हैं, तो क्रीड़ा आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है भारतस्य पूर्व दिशा अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। फिर से आपको नए इसको चुनकर निर्माण करना है, मम अस्माकम युष्माकम, ओके ऐशा डैश लेखनी, ये मेरी लेखनी है, तो ऐशा मम लेखनी, भारत हम सब का देश है, तो अस्माकम एतानी डैश पुस्तकम कानी युष्माकम, ये तुम्हारी पुस्तक है, भारत हम सब का देश है, ये मेरी लेखनी है। अगला प्रश्न है कोष्टकेशु पद प्रदत्त पद शब्देशु उचित विभक्ति, कोष्टक में आपको ये जो दिया हुआ है इसमें आपको उचित विभक्ति लगाकर खाली जगह में फिल करना है। जैसे पहला है आपका अहम, यहाँ पर रोटी का आपको दिया है, तो रोटी काम हो गया क्योंकि मैं रोटी को खाता हूँ। त्वम तुम डैश पिबसी, तुम जल को पीते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, जल की कौन सी विभक्ति आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। छात्र छात्र दूरदर्शन देखते हैं, आई थिंक ये पहले भी आ चुका है। वृक्षा पवन पीते हैं, वह कथा लिखती है, और हम सब जंतुशाला जाते हैं, तो इनमें जो भी विभक्ति सही रहेगी आप उसको लगाकर यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो ये आपका लास्ट ईयर का संस्कृत का पेपर है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिला होगा पेपर को देखे, भले ही सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको ना दे पाई हूँ, लेकिन आप आपकी टीचर ने जो पढ़ाया उनसे या फिर उनसे पूछ भी सकते हैं, या फिर अपनी बुक में से देख सकते हैं, नेट से कहीं से आंसर सर्च कर सकते हैं, उनको देख के आप थोड़े से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट करेंगे, कल हम लोग एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे।